मित्रों, मैं हूं पूर्वी पटेल। दबंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दबंग की सरकारी एम्बुलेंस में शादी के लिए ले जाई जा रही शराब के साथ पार्टी पुलिस ने बगवाड़ा टोलना के हाईवे पर से एक शख्स को किया गिरफ्तार और एक वांटेड। वापी की 21st सेंचुरी कोविड-19 अस्पताल की मान्यता पर तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करने से निजी अस्पतालों में सनसनी। दादरनगर हवेली के सिविल अस्पताल की आदिवासी विकास संगठन के नेता अभिनव डेलकर ने मुलाकात ली। पार्टी एपीएमसी के चेयरमैन पद पर आशीष पटेल और वाइस चेयरमैन पद पर प्रवीण भाई पटेल चुने गए। संजन में महाराष्ट्र के तलाश्रे के लोग एटीएम में पैसे निकालने के लिए आते, उमरगाम कोरोना संक्रमण में आते स्थिति गंभीर। अब समाचार विस्तार से। दमन की सरकारी एम्बुलेंस में शादी के लिए ले जाई जा रही शराब के साथ पार्टी पुलिस ने बगवाड़ा टालना के हाईवे पर एक शख्स को किया गिरफ्तार और एक वांटेड। एम्बुलेंस सांसद लालू भाई पटेल ने स्थानीय क्षेत्र विकास फंड में से सरकारी अस्पताल में दी गई थी। कोरोना महामारी में लोगों को एम्बुलेंस की समय समय पे आवश्यकता रहती है, तो आज घोर कलयुग देखने को मिला है। लोगों की सेवा के लिए दी गई दमन की सरकारी एम्बुलेंस में कोरोना महामारी के बीच शराब की तस्करी करते एक शख्स को पार्डी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पार्डी बगवाड़ा नेशनल हाईवे नंबर 48 पर गुरुवार को पार्डी पुलिस डी स्टाफ की टीम पेट्रोलिंग में थी। उस दौरान मिली जानकारी के अनुसार दमन की सरकारी एम्बुलेंस नंबर DD03P0109 को रोक कर तलाशी लेते शराब की बोतलें मिली थी। एम्बुलेंस पर सांसद लालू भाई पटेल के स्थानिक विस्तार विकास फंड में से सरकारी अस्पताल में दी गई होने का लिखा था। तो अब एम्बुलेंस में मरीज नहीं पर शराब का वहन होने का किस्सा सामने आते अब नए नए पैतरे आजमाते दिखाई दिए थे। पुलिस ने 120 शराब की बोतलें, जिसकी कीमत 12,000 और एम्बुलेंस की कीमत 7,00,000 मिलाकर 7,12,000 के मुद्दा माल को कब्जे में लेकर आरोपी निखिल उर्फ नीरव ईश्वर भाई पटेल निवासी उदवाड़ा उरवाड़ को गिरफ्तार किया था, जबकि विशाल राजू भाई पटेल निवासी पार्डी की कला को वॉन्टेड बताया था। आरोपी निखिल पटेल ने शराब विशाल के घर में शादी प्रसंग में ले जाने का कबूला है। पार्टी पुलिस के डी स्टाफ प्रतिपाल झाला, अरुण, प्रदीप सिंह और प्रकाश ने कामगिरी बजाई थी। वापी के 21st सेंचुरी कोविड-19 अस्पताल की मान्यता पर तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करने से निजी अस्पतालों में सनसनी। बाकी बिल की वसूली करने के लिए कार कब्जे करने के बाद कोरोना मरीज का शव संबंधियों में देने के मामले में कलेक्टर ने जांच का आदेश दिया। वापी में आई 21st सेंचुरी अस्पताल को कोविड-19 के मरीजों के उपचार के लिए मंजूरी दी गई थी। हाल ही में 21st सेंचुरी कोविड-19 अस्पताल में शंकास्पद कोविड के मरीज की मौत होते अस्पताल द्वारा मृतक के शव को देने के लिए अस्पताल की गंभीर लापरवाही की वजह से जिला कलेक्टर RR रावल ने इस घटना को गंभीरता से लेकर तुरंत असर से अस्पताल की कोविड-19 के उपचार के लिए दी गई मान्यता को सस्पेंड किया गया है और इसके लिए एक जांच कमेटी रचने का आदेश भी दिया गया है। ये कमेटी की जांच अहवाल के आधार पर ही आगे की कार्यवाही की जाएगी और अगर अस्पताल कसूरवार होगी तो डिजास्टर एक्ट के मुताबिक कार्यवाही की जाएगी होने का अखबारी यादी में बताया था, जिसमें गत रोज वापी 21st सेंचुरी अस्पताल में कोरोना के मरीज के शव को परिजनों को सौंपने और बाकी बिल के लिए कार कब्जे में लेकर शव का कब्जा देने की घटना को लेकर कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं। दादरा नगर हवेली के सिविल अस्पताल की आदिवासी विकास संगठन के नेता अभिनव डेलकर ने मुलाकात ली। अस्पताल के संचालकों से कोरोना वैक्सीन और इलाज के बारे में जानकारी लेकर समाधान लाने का आवेदन पत्र दिया गया। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली सिलवासा के विनोबा भावे सिविल अस्पताल के नियामक डॉक्टर और आरोग्य सेवाओं के नियामक डॉक्टर वीके दास के साथ आदिवासी विकास संगठन के नेता अभिनव डेलकर, उपाध्यक्ष टीपी चौहान, महामंत्री कमलेश पटेल, रमेश पटेल सहित नेताओं ने दादरा नगर हवेली में कोरोना और आरोग्य के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। साथ ही चल रही व्यवस्थाओं के बारे में, वैक्सीन के लिए और व्यवस्थाओं को जानकर मुलाकात लेकर आवेदन पत्र सौंपा गया था।
दादरा नगर हवेली और समग्र भारत में पिछले एक सप्ताह में दादरा नगर हवेली के ज़िले में कोरोना संक्रमण तेज गति से फैल रहा है और कई लोगों की मौत भी हुई है। तो ये विकट परिस्थिति में सामान्य लोगों की भावनाओं और जरूरतों को जानकर तुरंत ही कार्यवाही करने के लिए आवेदन पत्र सौंपा गया था। लेटर वाला कमलेश भाई, कमलेश भाई ना लेटर से हाथ से ऊपर है। अगर अगर मैं चलूं पाटिल निकली जाओ और पची बाइट आप ही दे दो। ठीक है, एक वक्त झूल ले लो तुम लोग को पैसे। यहाँ इस हेल्पलाइन में डॉक्टर को बिठाएंगे, जैसे आपने बताया कि रिलेटिव को तकलीफ होगी अंदर को भेज नहीं सकते, लेकिन वो डॉक्टर आपको सलाह सूचन देते रहेंगे। यहाँ बेड की कोई कमी नहीं है, इंजेक्शन की कोई कमी नहीं है, ऐसा डॉक्टर दास साहब ने बताया है। इसलिए ऐसा पैनिक नहीं फैले कि यहाँ कुछ अवेलेबल नहीं है। अपने यहाँ दादरा नगर हवेली की जनता के लिए सब कुछ अवेलेबल है। मुलाकात करना है यहाँ के डायरेक्टर मेडिकल डॉक्टर अतुल दास साहब से। सिर्फ एक ही मेन मुद्दा था, जो कोरोना का जो बीमारी जो बढ़ रहा है उसके साथ हुआ है जे रीते वत्तू है। लास्ट ईयर भी ये रीते नहीं वत्तू जे छेल्ला 7 दिवस में जे संख्या जे रीते 7 दिवस में जे वत्तू है ये करीबन 5 गुणों वधारे वत्तू है। तो एना माटे अमारी टीम अमे आज आव्या हता। स्पेशली डॉक्टर साहब ने रिक्वेस्ट करी के बने तेटले लोकोने एक अवेरनेस आवे, लोकोने सहयोग करे के मेडिकल लाइन पर एमने बधी रीते सुविधा थाय, इंजेक्शन थी लेने बेडनी सुविधा थी लेने जे भी एमने नेसेसिटी छे ते लोको सुधी पहोंचे, लोकोने ए प्रमाणे मेडिकल नी सुविधा मळे ए रिक्वेस्ट आजे करवा आव्या हता। पण डॉक्टर साहेब भी अमने अश्योरन्स आप्युं, खातरी आपी के लोको पासे इनफ बेड छे, दवा छे, इंजेक्शन्स छे, જે લોકોના માટે એ લોકો તૈયારી રાખી છે। એ મારે બી લોકોને એક મેસેજ આપવું છે કે પેનિક મોડ પર નહીં જાય, ગભરાઈ નહીં જાય, પોઝિટિવલી આ બીમારીને આપણે લડવાનું છે। આજે પરિસ્થિતિ બહુ ગંભીર છે, ખાલી આપણા પ્રદેશમાં નહીં પણ આખા દેશમાં। એટલું જ મેસેજ આપવું છે કે આપણે પ્રિકોશન્સ લેવાનું છે, ધ્યાન રાખવાનું છે, સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ રાખવાનું છે અને બને તેટલું આપણે ઘરે રહીએ, કારણ વગર બહાર નહીં જઈએ અને આ બીમારીના સામે લડાઈ આપણે બધા સાથે લડવાની છે। બધું ભૂલીને આજે અમે બી લડાઈ કરતા છે, અમારા ફાધરની અને જે બી ન્યાયની લડાઈ બી કરતા છે, પણ એના સાથે સાથે આજે કોરોનાની બી જે લડાઈ છે તેમાં અમે વધારે ધ્યાન એને બી અમે વધારે ધ્યાન રાખીને પ્રિકોશન્સ લઈને લોકોની તબિયત નહીં બગડે, આ બીમારી વધારે લોકો સુધી નહીં જાય એ પ્રિકોશન્સ લઈને અમે બી લડાઈ કરતા છે। પાંડી એપીએમસી કે ચેરમેન પદ પર આશીષ પટેલ ઓર વાઇસ ચેરમેન પદ પર પ્રવીણભાઈ પટેલ ચુને ગયે। पार्डी खेत उत्पन्न बाजार समिति में गुरुवार को बलसाड़ जिला रजिस्ट्रार सहकारी मंडली के एचआर पटेल की अध्यक्षता में सभापति और उप सभापति के चुनाव आयोजित हुए थे, जिसमें एपीएमसी के चेयरमैन के तौर पर आशीष भाई रणछोड़ भाई पटेल और वाइस चेयरमैन के तौर पर प्रवीण भाई प्रभु भाई पटेल दोनों बिन हरीफ चुने गए थे। दोनों को बलसाड़ जिला रजिस्ट्रार एचआर पटेल चुनाव अधिकारी ने विजेता घोषित किया था। चुनाव का आयोजन सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक हरेक चुने गए सभ्यों को मास्क और सैनिटाइज करवा कर प्रवेश करवाया गया था। चुनाव अधिकारी ने 10 मिनट में ही चुनाव प्रक्रिया पूर्ण की थी। इस अवसर पर चुने गए सभ्य माजी चेयरमैन रणछोड़भाई पटेल, हितेश पटेल, धर्मेश मोदी, जगदीश भाई पटेल, राजेश शाह, नटुभाई पटेल, जीनाभाई पटेल, नवीन चंद्र शाह, हितेश देसाई, हरीश पटेल, लताबेन पटेल, अनिल पटेल और स्टाफ कर्मचारी उपस्थित रहे थे। नए चुने गए चेयरमैन ने किसानों के हित में कामगिरी करने के लिए और खेत बाजार समिति के विकास के लिए कदम उठाने का विश्वास व्यक्त किया था और सभी का आभार व्यक्त किया था। એપીએમસીના ચેરમેન અને વાઇસ ચેરમેનની આજે વરણી કરવાની છે અને બંને બિનહરીફ ચૂંટાયા છે, વાત કરી આપણે ચેરમેન આશિષભાઈ જોડે। મારે એટલું જ કહેવાનું કે એમને જે ચૂંટેલા જે સબ જે મેં બોર્ડ ઓફ મેમ્બર્સ છે તેમણે જે મને સિલેક્ટ કર્યો છે અને એની ભલાઈ માટે આગળ કામ કરીશું, એના અને એપીએમસીના જે કંઈક રૂલ્સ એન્ડ રૂલ્સ પ્રમાણે અમે આગળ કામ કરીશું અને બધા વડીલોનો હું આભાર વ્યક્ત કરું છું। આજે એમના માર્ગદર્શન હેઠળ આગળ અમે કામગીરી વધારશું એમના વિશે આપણે।
साथी सभ्य जे बधा छे साथे ज छे अने एमने विचार अने बधु पेलू करीने अमे साथे चाले। चेरमेन तरीके हूँ पोते आशीष रणछोड़भाई पटेल अने उपसभापति तरीके प्रवीणभाई पटेल। चार्ज माटे चार्ज आजथी चैत्र नवरात्रिनो मुहूर्त होवाने कारणे जे छूटायेला डिरेक्टरो आजे ज मने चार्ज सोंप्यो એ બધા આજરોજ ખેત બજાર ઉત્પન્ન બજાર સમિતિના નિયમો 1965ના નિયમો મુજબ સભાપતિ અને ઉપસભાપતિની ચૂંટણી કરવાની હતી ચૂંટાયેલા સભ્યોમાંથી, તો આજરોજ સભાપતિની ચૂંટણી કરી જેમાં એક જ ફોર્મ ભરાયું, શ્રી આશિષભાઈ રણછોડભાઈ પટેલ એક જ ફોર્મ હતું એટલે એમને બિનહરીફ જાહેર કર્યા, અને ઉપસભાપતિ તરીકે પ્રવીણભાઈ નું એક જ ફોર્મ આવેલું હોય પ્રવીણભાઈને વિજેતા જાહેર કર્યા છે, એટલે પછી બે જ એજન્ડા હતા સભાપતિ અને ઉપસભાપતિની ચૂંટણી એ પતાવીને મીટિંગ પૂરી કરી છે। સર સમગ્ર કાર્યવાહી કા કરવે કઈ એપીએમસીની ચેરમેનની? આ સમગ્ર કાર્યવાહી પાર્ટી બજાર સમિતિ ઉત્પન્ન બજાર સમિતિની અને તદ્દન કોરોનાગ્રસ્તની ગાઈડલાઈન કોવિડ-19ની ગાઈડલાઈન પાલન કરીને સોશિયલ ડિસ્ટન્સ સાથે માસ્ક સાથે ચૂંટણી શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં પૂર્ણ થયેલ। સંજન મે મહારાષ્ટ્ર કે તલાસરી કે લોગ એટીએમ મે પૈસે નિકાલને કે લિયે આતે ઉમરગામ કોરોના સંક્રમણ મે આને સે સ્થિતિ ગંભીર। उमरगांव संजान सीमा क्षेत्र में महाराष्ट्र राज्य के तलासरी तहसील के गांव में से संजान में एटीएम में पैसे लेने के लिए लोगों की भीड़ दिखाई दी थी, जिसकी वजह मिली माहिती के मुताबिक आज रात से महाराष्ट्र में लॉकडाउन के चलते तलासरी तहसील की प्रजा संजान में एटीएम में से पैसे लेने पड़े होने का जानने को मिला था। पालघर जिले में कोरोना संक्रमण बढ़ते तलासरी तहसील में कोरोना की वजह से माजी विधायक का निधन हुआ है। बैंक के पास ही तहसील भाजप के महारथियों की ऑफिसें भी आई हुई है, तो बैंक के एटीएम में भीड़ देखकर महाराष्ट्र कोरोना ग्रस्त होते उमरगांव तहसील भी कोरोना संक्रमित हो तो आश्चर्य नहीं। एक छोटा सा ब्रेक। दमन न्यूज प्रस्तुत करता है कोरोना वायरस प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। वॉश योर हैंड्स, अपने हाथों को साबुन व पानी से तकरीबन 20 सेकेंड्स के लिए धोए और एक अल्कोहलिक बेस्ड सैनिटाइजर अपने साथ रखें। डू नॉट स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूट। छींकते समय अपने मुंह एवं नाक को ढककर छींके और हो सके तो नैपकिन का प्रयोग करें और नैपकिन को एक क्लोज डस्टबिन में डिस्पोज करें। अवॉइड पीपल बीइंग होली ऑन द एज ऑफ सेलिब्रेशन। भारी लोगों की भीड़ से बचे जिससे आप किसी भी प्रकार के संक्रमण से बच पाए। डिस इन्फेक्ट द एनवायरमेंट। अपने आसपास सफाई रखें। स्वच्छ भारत अभियान को याद करें। बी अवेयर डोंट बी अफ्रेड। जागरूक रहे डरे ना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वापी के ट्रैवल्स एजेंसी वाले बस में भेड़ बकरी की तरह पैसेंजरों को बैठाते, कोरोना गाइडलाइन का सरेआम उल्लंघन। वापी तहसील के ट्रैवल्स एजेंसी वाले लोगों को भेड़ बकरियों के माफिक बसों में पैसेंजरों को बिठाते सरकार के कोरोना गाइडलाइन का खुलेआम पालन नहीं कर रहे होने का देखने को मिल रहा है। ट्रैवल्स एजेंसी वाले कोविड-19 के किसी भी प्रकार के 72 घंटे का RT-PCR या मेडिकल रिपोर्ट नहीं होने के बावजूद बिठाते हैं। जो लोग महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्रों में से वापी, सूरत, पटना, गोरखपुर ट्रैवल्स करते हैं, बस मालिकों द्वारा बसों में एक बस में 60 से 70 लोगों को बिठाते हैं और एक सीट के 2000 से 3000 लेते हैं। जो लोग महाराष्ट्र से नंदीगाम बॉर्डर पर से चलकर मेडिकल रिपोर्ट के बगैर आते हैं, उनको भी वापी की आनंद ट्रैवल्स, बालाजी ट्रैवल्स जैसी एजेंसी वाले सरकार के कोविड नियमों का पालन नहीं करते होने का दिखाई देते ऐसी बसों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है जिससे कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। बस में 50 है अभी। यहाँ से सूरत से वहाँ पटना, उसका आधार कार्ड लिया हुआ है। अभी जो सरकार के कोविड-19 का जो कोरोना महामारी बीमारी का जो सरकार का नियम है, वही सब RT-PCR रिपोर्ट को लिया? हाँ, सब सब है, सेट के पास है सर। कंप्लीट पेशेंटों का? हाँ, पेशेंट पैसेंजर का ही है पूरा, सबका लेके ही बिठा रहे हैं वो। पार्टी में स्वैच्छिक बंद में फ्रूट और सब्जी बेचने वालों ने पालिका के सीओ को विनती करते सुबह 7 से शाम 6 बजे तक स्वैच्छिक बंद किया जाएगा।
पार्डी व्यापारी मंडल द्वारा दोपहर 3 बजे के बाद सभी दुकानें कोरोना महामारी के चलते स्वैच्छिक बंद करने का फैसला लिया गया है, तो सब्जी और फ्रूट वालों ने विरोध जताकर आज रोज नगर पालिका में पहुंचकर पेशकश की थी, जिसको लेके चीफ ऑफिसर और प्रमुख ने गाइडलाइन के साथ सुबह 7 बजे से 12 और दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक का समय अब दिया गया है। कोरोना महामारी रुके ऐसे उद्देश्य के साथ पार्डी के व्यापारियों ने दोपहर 3 बजे तक अपनी दुकानों में व्यापार करने का फैसला लिया था और बंद में जुड़ने के लिए व्यापारी मंडल ने सहयोग भी मांगा था। तो आज रोज पार्डी नगर पालिका की माजी सभ्य कीर्ति भंडारी के साथ सब्जी वालों और फ्रूट वालों ने पार्डी नगर पालिका चीफ ऑफिसर प्राची दोषी और प्रमुख हसुभाई राठौड़ को पेशकश की थी, जो कि जिला कलेक्टर की सूचना के मुताबिक सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक सभी दुकानदार व्यापार कर सकते हैं, पर कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर 3 बजे के बाद बंद हो जाने से सब्जी और फ्रूट के व्यापारियों ने बताया कि सब्जी और फल बिगड़ जाते हैं। उसी को लिमिट માં ઓછી લાવ પછી માં એવું છે ને કે સવાર નું જો મે શાકભાજી બધા ગામડે થી આવે છે અને બધા છે ને ઘર નું નથી લાવતા, લોકો છે ને ખરીદી લાવે છે અને એ લોકો શું કોઈ 500 રૂપિયા લાવે છે, કોઈ 1000 રૂપિયા, કોઈ 5000 નું બી લાવે છે। હવે એમાં શું કે સવાર ના ટાઈમ અમને 7 જે મળ્યા છે, 7 થી 3 નો, અને એમાં છે ને અમારે બપોરનો ટાઈમ થતો નથી, રસ્તા પ્રાચી મેડમ પાસે આવેલા હતા અને એમને હું કીધું કે તમારો સાંજનો ટાઈમ જોઈએ તો સાંજનો અને સવારનો જોઈએ તો સવારનો, એ રીતના સાચી મેડમ અમારા નિર્ણય લાવ્યા છે અને અમને ફોલો કરીશું। સવારે 7 થી 12 નો કીધો છે અને સાંજે 3 થી 6 અમે એકજૂટ થઈને કરીશું, બીજું હું સરકાર જોડે છે અમારી, એમણે બી થોડુંક સમજવું પડશે બીજું શું। બપોર પછી જે બંધ કરવાનું હતું એમાં શાકભાજી 500 રૂપિયાથી લઈને 1000 રૂપિયા લઈને 5000 સુધી લાવે અને શાકભાજી 100% રોજે રોજ વેચાઈ જતી નથી અને શાકભાજી વાસી થઈ જાય તો બીજે દિવસે કોઈ લેવાનું નથી, એટલે ગઈકાલની સમસ્યાનો જોઈને આજે અમે પાર્ડી નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસર પ્રાચી મેડમને મળતા એમણે અમને સારો પ્રતિસાદ આપી, સુખદ નિર્ણય લાવી, સવારે 7 થી 12 અને 3 થી 6 એમ અમને જણાવ્યું અને કોવિડ-19નું પાલન કરવાનું સોશિયલ ડિસ્ટન્સ રાખીને બરાબર, એટલે અમારે શાકભાજીવાળાને બી વિનંતી કરીને કહી દીધું છે કે દરેકે શાકભાજી વીણવા દેવી નહીં, જે જોઈએ તમારે આપી દેવાની અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સમાં બેસવાનું અને ઘરને ગરદી થવા દેવાની નહીં, અને 3 થી 6નો સુખદ ઉકેલ બેને અમને રજૂઆત કરતાં લાવી આપ્યો છે। 6 વાગ્યા પછી વેચતું દેખાશે તો અમે બેનને પ્રાચી મેડમને બાંહેધરી આપી છે કે તમારે યોગ્ય કાર્યવાહી જે કરવી હોય તે કરવાની। તો ધ્યાન મે રખતે હોય કોરોના ગાઈડલાઈન કે સાથ સુબહ 7 સે 12 और दोपहर 3 से 6 बजे तक का समय अब दिया गया है। उल्लेखनीय है कि कोरोना काल में छोटे व्यापारियों की परेशानियां ज्यादा बढ़ी है, तो अब सरकार की गाइडलाइन के साथ व्यापार करेंगे तो सभी के लिए अच्छा है, पर पालिका या पुलिस चेकिंग के दौरान नियमों का पालन नहीं होगा तो कानूनी कार्यवाही की जाएगी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कोरोना महामारी से बचने के लिए सहकार देना आवश्यक है। એટલે એક એવું માધ્યમ છે કે જે સર્વે લોકોને પહોંચે છે અને હું આભાર માનું છું અંકલ ન્યૂઝનો કે જેથી કરીને આપણે જે જ્યાં મેસેજ પહોંચાડો હતો ત્યાં સુધી પહોંચ્યો, લોકોના દિલને અને દિમાગને ટચ થઈ આજે જે લોકોએ જાગૃતતા દાખવી પાર્ટીના લોકોએ અને પાલિકામાં જઈ સીઓ મેમ સાહેબ જે આપણા છે મેડમ જોડે આ બધી વાતચીત કરી રજૂઆત કરતા અને સીઓ સાહેબે પણ જે પોતાની ઉદારતા દાખવી અને જે ડિસિઝન લીધું છે હળી મળીને બેવને બેલેન્સ કરીને અને જે સમયની પાબંદીઓ આપી છે એ માટે હું એમનો બી ખરેખર આભારી છું દિલરૂપ, અને પાર્ટીની જાગૃત જનતાને જણાવવા માંગુ છું કે છૂટ મળી છે પરંતુ ખાસ યાદ રાખી SMS કે સેનિટાઈઝર પોતાની પાસે રાખો, હવે આપણી ફરજ હજુ મજબૂત બને છે અને હવે આપણે બતાવવું પડશે કે આપણે પણ સક્ષમ છીએ આ વસ્તુ કરવા માટે, કારણ કે હવે ભૂલ આપણી ગણાશે જ્યારે આપણે પાલિકા અને પોલીસ પ્રશાસન આપણને છૂટ આપે છે એનો મતલબ એ નથી કે આપણે એનો મિસયુઝ કરીએ, હવે આપણે કાયદાનું પાલન રાખી 3-3 વસ્તુ સેનિટાઈઝર ફરજિયાત ખિસ્સામાં લઈને ચાલો કે ગાડીમાં રાખો દુકાન પર રાખો, માસ્ક પહેરવું અત્યંત જરૂરી છે અને એ જ રીતે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ તો મરણ પરણ જન્મ તો હવે થઈ જ ગયું છે, પર એક નવો શબ્દ જોડું છું કે પર્સનલ ડિસ્ટન્સિંગ રાખો, આપણે આપણી વચ્ચે 1 હાથ જેટલો ડિસ્ટન્સ રાખીને વાત કરીશું અને માસ્ક પહેર્યું હશે તો 100% આપણે કોરોનાને માત આપવામાં મદદ કરીશું।
दीव के इंडस्ट्रियल जोन में म्युनिसिपल प्रमुख के रिसोर्ट का तंत्र द्वारा डिमोलिशन करते राजकीय नेताओं में सनसनी। दीव नागवा मार्ग पर कलेक्टर रेसिडेंट के सामने इंडस्ट्रियल जोन में 16,325 स्क्वायर मीटर जगह में म्युनिसिपल प्रमुख हितेश भाई सोलंकी और उनके भाई काउंसिलर राकेश सोलंकी द्वारा डेस्टिन होलीडे नाम देकर रिसोर्ट जैसी सुविधाएं खड़ी की गई थी, जिसमें रूम, रेस्टोरेंट, टेंट, स्विमिंग पूल जैसी सुविधाएं हो। ये रेस्टोरेंट पिछले 3 सालों से चल रही थी, जिसका आज रोज कलेक्टर सलोनी राय के आदेशानुसार मामलतदार चंद्रहास वाजा और कर्मचारीगण के साथ पुलिस बंदोबस्त रखकर हरेक बांधकाम, टेंट, स्ट्रक्चर, जेसीबी की सहायता से हटाकर हरेक सुविधा का सफाया किया गया। 9 माह पहले प्रकाश बारिया ने इंडस्ट्रियल जोन में रिसोर्ट जैसी सुविधा बनाए जाने पर म्युनिसिपल प्रमुख हितेश सोलंकी और उनके भाई काउंसिलर राकेश सोलंकी के विरुद्ध दीव कलेक्टर कचेरी में शिकायत दर्ज कराते कलेक्टर सलोनी राय ने हरेक दस्तावेजों का अभ्यास कर परमिशन नहीं होने के बावजूद टेंट, रेस्टोरेंट, रूम, स्विमिंग पूल जैसी सुविधाएं हो हटाने के लिए 7 दिनों की नोटिस दी गई थी और 7 दिनों के बाद आज रोज डेस्टिन होलीडे के ऊपर जेसीबी घुमाकर सफाया किया गया था। वापी डुंगरी के खुले प्लॉट में कचरे के ढेर में आग लगते भगदड़। वापी के डुंगरी फलिया में आए एक खुले प्लॉट में कचरे के ढेर में आग लगते भगदड़ मच गई थी। घटना की जानकारी फायर फाइटर की टीम को मिलते ही तुरंत फायर फाइटर की टीम घटना स्थल पर पहुंची थी और आग को काबू में पाया गया था। जो कि किस वजह से आग लगी वो जानने को नहीं मिला है, पर बार बार वापी में आग की घटनाओं के चलते स्थानिक लोगों में चिंता फैली हुई है। दादरा नगर हवेली में 394 सक्रिय कोरोना केस को देख संघ प्रदेश में तंत्र द्वारा 200 मरीजों के लिए अस्पताल की व्यवस्था की गई। डॉक्टर वी के दास ने बताया। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में सबसे ज्यादा 70 केस के साथ मरीजों की संख्या 394 हुई है। सफल उपचार के बाद 1853 मरीज घर वापस लौटे हैं। कोरोना संक्रमितों की बढ़ती जनसंख्या के सामने तंत्र की पूरी तैयारियां देखने को मिली है, जिसमें बेड फैसिलिटी, ऑक्सीजन, इंजेक्शन इत्यादि उपलब्ध है। साथ ही 200 मरीजों के लिए अस्पताल में व्यवस्था खड़ी कर दी गई है, जिसके बारे में हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर वी के दास ने बताया था। उन्होंने बताया कि दादरा नगर हवेली, दमन और दीव में पर्याप्त मात्रा में संसाधन है। सावधानी भी बढ़ती जा रही है। तीनों प्रदेशों में वैक्सीनेशन का काम भी चल रहा है, जबकि सिलवासा में ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीन के लिए उदासीनता का माहौल देखने को मिला है। तो हेल्थ विभाग द्वारा लोगों को अपील कर ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनीकरण के लिए लोग पहुंचे, ऐसी व्यवस्था भी की गई है। मैं डॉक्टर बी के दास, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज दादरा नगर हवेली दमन दीव, आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि कोरोना का जो सेकेंड वेव है वो सबसे ज़्यादा दादरा नगर हवेली डिस्ट्रिक्ट इफेक्ट हुआ है। दादरा नगर हवेली में भी सिलवासा, आमली, मसाढ़, सामरवाणी, दादरा, रखोली एरियाज बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं। कुछ नरौली में भी हैं और कुछ आम्बोली में भी हैं। तो मैं लोगों को यही सावधान रहने बोलूँगा कि सब लोग अपना मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हैंड सैनिटाइज करें और अगर ज़रूरत नहीं है तो बाहर ट्रैवल नहीं करें, अपने घरों में रहें। दूसरी बात, वैक्सीनेशन अबव 45 ईयर्स का वैक्सीनेशन हम हर हेल्थ सेंटर्स में दे रहे हैं, हर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में दे रहे हैं, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी दे रहे हैं। आप लोग आगे आएँ और लगाएँ। जहाँ तक तीनों डिस्ट्रिक्ट का सवाल है, दादरा नगर हवेली में अभी तक 47% लोगों ने ही लिया है, जबकि इंटीरियर्स में किसी ने भी नहीं लिया है, बहुत कम लोगों ने लिया है। दमन और दीव में काफ़ी अच्छे पॉपुलेशन में लोगों ने लिया है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग बचे हैं वो आगे आएँ और वैक्सीनेशन टीकाकरण अभियान में जैसे जुड़े और टीका लगाएं और अपने आप को इस बीमारी से बचा लें। मोटा कोंडा ग्राम पंचायत द्वारा दोपहर 2 बजे बाद स्वैच्छिक दुकानें बंद रखने का निर्णय लिया गया। बढ़ते कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए हरेक गांव में स्वैच्छिक बंद का फैसला लिया गया है। तो कपराड़ा तहसील के मोटा पुंडा गांव में भी मुख्य बाजार सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुला रखने का फैसला लिया गया है। साथ ही हर शनिवार के रोज
लगते हाट बाजार को भी बंद किया गया है और अगर कोई भी इस नियमों का पालन नहीं करेंगे तो ग्राम पंचायत द्वारा कार्यवाही करने का बताया गया है। तो लोग और व्यापारी मित्र भी इस बंद में सहयोग दे ऐसी अपील व्यक्त की थी। समाचार के अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। सरकारी एम्बुलेंस में शादी के लिए ले जाई जा रही शराब के साथ पार्टी पुलिस ने बगवाड़ा टोलना के हाईवे पर से एक शख्स को किया गिरफ्तार और एक वांटेड। वापी की 21st सेंचुरी कोविड 19 अस्पताल की मान्यता पर तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करने से निजी अस्पतालों में सनसनी। दादर नगर हवेली के सिविल अस्पताल की आदिवासी विकास संगठन के नेता अभिनव डेलकर ने मुलाकात ली। पार्डी एपीएमसी के चेयरमैन पद पर आशीष पटेल और वाइस चेयरमैन पद पर प्रवीण भाई पटेल चुने गए। संजान में महाराष्ट्र के तलाश्रे के लोग एटीएम में पैसे निकालने के लिए आते, उमरगाम कोरोना संक्रमण में आते स्थिति गंभीर। तो ये थे आज के समाचार। नए समाचार के साथ कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।